नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए नीतीश सरकार ने फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने बकरीद और सावन जैसे मौकों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सख्त नियम बनाया है। इन नियमों के तहत बकरीद के मौके पर जहाँ लोग सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो वहीं सावन के महीने में शिवालयों में होने वाली पूजा पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बकरीद को लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक और सभी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद निर्देश जारी करते हुए डीएम ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद की नमाज घरों में ही पढ़ी जा सकती है। किसी भी ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। बकरीद के मौके पर किसी भी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी SDO, BDO और CO को निर्देश जारी करते हुए थाना और अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक कर तमाम दिशा निर्देशों को बताने का निर्देश दिया। बकरीद के साथ सावन में लगने वाले श्रावणी मेला पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोविड नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक मेला या समारोह पर पाबंदी रहेगी। साथ ही मंदिरों में कांवर ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। मंदिरों में पहली सोमवारी से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार ने एक CD जारी की है, जिसमें अगस्त महीने तक किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम और उसके आयोजन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें। मंदिर आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मंदिर के पुजारी सिर्फ सुबह और शाम पूजा अर्चना और आरती करेंगे। सावन महीने में जो मेले का आयोजन किया जाता है, उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को सुल्तानगंज और भागलपुर से जल भी नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग जिस तरीके से हर बार सरकार का समर्थन करते हैं, इस बार भी फैसले का लोग समर्थन करेंगे और सभी की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।